यार मैंने वीडियो तो पूरी शूट कर दी, बट मैं यही बताना भूल गई कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में कि आईएलटीएस ऑनलाइन एग्जाम जब आप फिल करोगे तो बस एक ही प्रॉब्लम है उसकी, और वो प्रॉब्लम ये है कि ये एकेडमिक लर्नर्स के लिए है, अभी जीटी लर्नर्स के लिए नहीं है। तो रहन दो फिर। सो जो भी एकेडमिक लर्नर्स है उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज है, एंड जीटी लर्नर्स थोड़ा सा टाइम और वेट करो, शायद जीटी लर्नर्स के लिए भी ये न्यूज जल्दी जल्दी आ जाए। देख लो भाई हमारे साथ ऐसा ही होता है। दैट मींस दिस आईएलटीएस ऑनलाइन टेस्ट इज फॉर एकेडमिक लर्नर्स। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? आईएलटीएस इन 2023 या 2023 में ना एक्चुअली कुछ बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है। हम बोल सकते हैं कि आईएलटीएस के लर्नर्स के लिए तो कुछ मिरेकल ही होने वाला है। इट विल बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ईच वन ऑफ यू इंक्लूडिंग मी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे सारे के सारे लर्नर्स का फर्स्ट टेक में एग्जाम क्लियर हो। अभी तक आप लोगों में से काफी को ये डाउट रहता है कि ऑनलाइन प्रिपेयर कैसे करना है, तो यार ऑनलाइन प्रिपेयर करना तो छोड़ो, है ना, ऑनलाइन एग्जाम देने वाले भी ऑप्शन आने वाला है आईएलटीएस 2023 में। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आईडीपी की जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, जो आपको लगता है कि 6.5 ही वो बार बार दे देते हैं या बार बार हमें इंटेंशनली फेल करते हैं, इससे रिलेटेड तो मैं ऑलरेडी दो वीडियोस डाल चुकी हूँ, बट यहाँ पे मैं बताऊंगी कि आईडीपी अगर ये गलती ना करे, ये डर्टी टैक्टिक्स ना प्ले करे, और इस चीज का सॉल्यूशन क्या है वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू इट राइट अवे। सो गाइस 2023 में अगर मैं आईएलटीएस के एग्जाम की बात करूं तो बहुत कुछ नया होने वाला है और बहुत ही एक्साइटिंग चीजें आने वाली है जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आईएलटीएस ऑनलाइन, आपने नाम बिल्कुल ठीक सुना है, एक्चुअली ये जो ऑनलाइन है इसका मतलब टोटली ऑनलाइन ही है। यू सिंपली नीड अ वर्क डेस्क, अ वर्क स्टेशन, अ क्वाइट रूम एंड स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप अपने घर बैठे बैठे आईएलटीएस का एग्जाम दे सकते हो। 2023 में इसके पूरे पूरे चांसेस है कि इंडिया में भी आ जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम इस चीज के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं, या मैंने भी नहीं सुना था 2 महीने पहले तक, बट मेरी एक स्टूडेंट है जो कनाडा में है, उन्होंने मुझे बताया एंड शी टोल्ड मी मैम कि क्या बोलते हैं, मैंने अभी एग्जाम देना था और कनाडा में ना पेपर बेस्ड एग्जाम इजिली मिलता ही नहीं है, दो दो तीन तीन महीने वेट करने पड़ते हैं क्योंकि वहां पे आईएलटीएस ऑनलाइन वाला ऑप्शन है या कंप्यूटर डिलीवर्ड वाला ऑप्शन है। सो ऑनलाइन एग्जाम में तो आराम से घर बैठे हुए दे सकते हो, और वो कनाडा में ऑलरेडी हो रहा है। कनाडा के अलावा भी अप्रोक्सीमेटली 50 कंट्रीज में आप आईएलटीएस ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो घर बैठे बैठे। ओके, सो दैट्स ट्रू, इट इज एक्चुअली ट्रू। सो अभी आप जो सोचते हो कि आईडीपी ने ये कर दिया, मैम मैं तीसरी बार एग्जाम दे रही हूँ, 6.5 भी आया, मैम मैं ऑलरेडी 60,000 रुपीज आईएलटीएस के एग्जाम पे लगा चुकी हूँ और अब मैं अपने पेरेंट्स से और नहीं मांग सकती, मैम मेरे साथ ये हुआ, मैंने 10 times अटेम्प्ट दिया, आईडीपी मुझे स्कोर ही नहीं दे रहा, तो यस आई नो कि ब्रिटिश काउंसिल अब नहीं है तो उसकी वजह से भी आईडीपी इज प्लेइंग डर्टी टैक्टिक्स, मोनोपोली हो रही है आईडीपी की, और जिसकी वजह से स्टूडेंट सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। बट ये वीडियो इसीलिए ही है कि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अभी ये जो भी मैं आपको बोल रही हूँ ना, तो इट्स नॉट समथिंग आई एम मेकिंग अप, IELTS.org पे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आपको दिख भी रहा होगा, जो जो मैं बोल रही हूँ आपको स्क्रीनशॉट दिखते रहेंगे, स्क्रीन पे पता चलता रहेगा कि ये इंफॉर्मेशन वहां पे है। इसके अलावा मैं ये लिंक जो है, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में ऐड कर दूंगी। सो वो आप जरूर डिटेल में पढ़ना, बिकॉज ये वो चीज है जो आपका पूरा का पूरा फ्यूचर बदल देगी और 2023 में आप आईएलटीएस का एग्जाम डेफिनेटली क्लियर कर पाओगे। सो आईएलटीएस ऑनलाइन के बारे में तो आपको काफी कुछ पता चल गया। अब आईडीपी की प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करते हैं। पहली प्रॉब्लम यही है कि एग्जाम क्लियर होने नहीं देते। दूसरी है कि अगर आप ईओआर फिल भी कर देते हो उसके बाद भी ईओआर के पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद भी बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो आपका स्कोर इंक्रीज कर दें, और आप 90% श्योर होते हो कि मैंने तो अच्छा करा ही करा है, है ना। सो अब ये प्रॉब्लम होने नहीं वाली, क्यों नहीं होने वाली ये भी समझो। अगर आप आईएलटीएस ऑनलाइन एग्जाम देते हो तो ये चेक यहाँ पे नॉर्मल एग्जामिनर्स नहीं करेंगे जो इंडिया में बैठे हुए हैं,
चाहे वो आईटीपी हो, ब्रिटिश काउंसिल हो, उनके रीजनल ऑफिसेज होते हैं ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है या फिर ब्रिटिश काउंसिल का ब्रिटेन है ना, सो यूके में है, ये सारे जो भी अपने हमारे जो सेंटर्स हैं इनके जो रीजनल ऑफिसेज है, वहां पे एक कॉल सेंटर होगा। कॉल सेंटर में मोर देन 500 एग्जामिनर्स होंगे जो आपकी स्पीकिंग लेने वाले हैं। दैट मीन्स स्पीकिंग भी ऑनलाइन होगी टोटली। आपकी स्पीकिंग लेंगे और आपकी राइटिंग के करेक्शंस करेंगे। सो ये जो भी एग्जाम में होता है कि इसका एग्जाम क्लियर हो गया या ऐसे करके एग्जाम क्लियर हो सकता है, तो वो सब कुछ अब नहीं होगा आपका। अगर आप ये सोचो ये सारे फ्रॉड्स होते थे तो वो अब नहीं हो पाएंगे 2023 में, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि उनका नेम ना खराब हो। और ये जो लोकली कुछ कुछ चीजें खराब हो रही होती है, डेट दे डू नॉट वॉन्ट, और उसी के लिए उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट बनाया है, कॉल सेंटर बनाया है कि आपके एग्जाम कोई भी यहां पे चेक नहीं करेगा। एक प्रॉपर हेड सेंटर होगा, हेड ऑफिस होगा, जहां पे सारे एग्जाम चेक होंगे, स्पीकिंग मॉड्यूल होगा, राइटिंग एग्जाम चेक होगा, तो आपके ये स्कोर ना आने वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी आपको सब कुछ पता चल गया है, आईडीपी का फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपने ये न्यूज तो सुन ही ली होगी कि सिंगल मॉड्यूल रीटेक आप दे सकते हो 2023 में, तो आपने बिल्कुल ठीक न्यूज सुनी है। एंड इनफैक्ट दो तीन दिन पहले भी मेरे पास कुछ कॉमेंट्स आए हैं, और उससे थोड़े दिन पहले भी आए थे, एक जसजोत ने कॉमेंट करा था, नवतोष ने कॉमेंट करा था, एंड ऐसे ही सिमिलरली शिखा का भी कॉमेंट आया था। तो ये तीन नेम्स तो मुझे बिल्कुल याद है, तो वो पूछ रहे थे कि मैम सिंगल मॉड्यूल रीटेक सच में होगा? तो डेफिनेटली होना यार, सिंगल मॉड्यूल रीटेक इन 2023। सो आईएलटीएस इन 2023 इज कमिंग विद अ ग्रेट न्यूज फॉर ईच वन ऑफ अस। अब आपको सब कुछ पता चल गया, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन नाउ, है ना? सिंगल मॉड्यूल रीटेक ले सकते हो या ईओआर फिल कर सकते हो, ये दो ही ऑप्शन हो गए एग्जाम देने के बाद। अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम में आपको लग रहा है कि इसमें पक्का मेरा स्कोर आना चाहिए था, तो या तो आप ईओआर फिल कर सकते हो, सिंगल मॉड्यूल रीटेक ले सकते हो, दोनों ऑप्शंस ही अवेलेबल होंगे। और उसकी जो भी फी होगी वो आपने ऑनलाइन पे करनी है, डेट यू ऑलरेडी नो। ईओआर से सिमिलर ही फी होगी, उसकी फी कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है, बट डेट विल गेट टू नो, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन अभी इस वेबसाइट पे नहीं है। ठीक है, सो डेट्स ऑल फॉर दिस। आई बिलीव सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, एंड मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लाने वाली हूँ अगले दो दिन में, वो मैं अपलोड कर दूंगी कि आपने आईएलटीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन, ऑनलाइन प्रिपरेशन कैसे करनी है 2023 में। चाहे आपने पेपर बेस्ड एग्जाम देना हो, चाहे आपने आईएलटीएस ऑनलाइन का सोच रहे हो या कंप्यूटर डिलीवर्ड का सोच रहे हो, तीनों के तीनों टाइप्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वो वीडियो जरूर ध्यान से देखना, एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और हर एक वीडियो को ध्यान से देखो एंड फॉलो करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू हैव शार्ड ऑन मी इन 2022, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग द सेम इन 2023 एज वेल। आई लव यू ऑल, बाय बाय।